हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका क्रैक जेईई सेबी एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जेईई पहली बार दे रहे हैं या दे चुके हैं, फेल हो गए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जेईई पास करके अब सीआईबी के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। दोनों के लिए वीडियो देखना शुरू से अंत तक बहुत जरूरी है कि कैसे आप क्वालिफाई करेंगे। पहले हम कुछ डिफरेंस बता देते हैं आपको, जेईई और सीआईबी में एग्जाम पैटर्न पे क्या क्या डिफरेंस आ जाती है। अगर आप जेईई और इधर आप सीआईबी अगर आप करते हैं, ठीक है, तो जेईई में अगर आप जा रहे हैं लेवल ऑफ टफनेस, तो यहां पे क्या रहता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है। जबकि सीआईबी में क्या रहेगा, मॉडरेट टू टफ। इसमें जो मैक्सिमम स्टूडेंट फेल करते हैं, जो मैक्सिमम फेल करने वाला जो सब्जेक्ट है वो है यहां पे जेईई में अकाउंटिंग, और सीआईबी में यही चीज हो जाएगा एबीएम एंड बीएफएम, ठीक है। उसके बाद अगर आप केस स्टडी की बात करते हैं या फिर न्यूमेरिकल, ये दोनों चीज आपको देखने को मिलेगा सिर्फ अकाउंटिंग में, जबकि यहां पे एबीएम और बीएफएम दोनों जगह आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ मार्क्स या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं या मार्क्स कर लीजिए, ठीक है, जो कि केस स्टडी या फिर न्यूमेरिकल का होगा, ओके तो यहां पे बेसिकली सिर्फ अकाउंटिंग ही एक पेपर है और ये 25 मार्क्स का होता है, ठीक है, 25 टू 30 मार्क्स। और ये यहां पे एबीएम और बीएफएम दोनों जगह आपको दिखेगा, और यहां पे 40 से 50 मार्क्स, यही कुछ अंतर है, कुछ सिमिलरिटीज है, अंतर है, जो भी आप बोले। जेईई सेबी में क्या है कि पेपर की टफनेस की अगर बात कर रहे हैं जेईई में, तो आसान से टफ है, जबकि सेबी टफ से बहुत ही मुश्किल है। मैक्सिमम जो लोग फेल होते हैं जेईई के केस में अकाउंटिंग और सेबी के केस में एबीएम और बीएफएम में। केस स्टडी और न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो अकाउंटिंग में केस स्टडी और न्यूमेरिकल दिखेगा और बीएफएम में और एबीएम में आपको दिखेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं केस स्टडी और न्यूमेरिकल में, अकाउंटिंग के केस में 25 से 30 क्वेश्चन है और एबीएम और बीएफएम के केस में 40 से 50 क्वेश्चन आएगा। ये कुछ एक बेसिक डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एक सबसे बड़ा हम सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, समय, टाइम नहीं होता है। तो रीजन क्या है फेलियर होने का, रीजन बिहाइंड फेलियर, सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ टाइम। सही बात यह है कि हम लोग सही टाइम पे खाना खा ले ऑफिस आने के बाद, यही बहुत बड़ी बात होती है। खाना खाने के लिए भी समय नहीं बचता है, ये आप सभी कोई जानते हैं। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एक दूसरा रीजन ये भी कि आप खुद पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो ये भी होता है। तीसरा चीज क्या है, बल्कि बुक्स, बुक अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 700 पेज का बुक है। मैकनेन बुक की बात कर रहे हैं हम, मैकनेन बुक की अगर आप देखेंगे 700 पन्ने की बुक है, कौन पढ़ेगा, किसके पास टाइम है, ये भी एक हो गया। तो ये सब कुछ एक रीजन है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थक जाते हैं, टायर्ड, ये सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं जगता है, हमको समय नहीं मिल पाता है, इतना भारी भरकम बुक है देखने के साथ ही मन उचट जाता है और हम थक भी जाते हैं जॉब करने के बाद, इतना समय नहीं रहता है, ठीक है। इसी चीज का हमने सॉल्यूशन लेके आए, सॉल्यूशन क्या है,
हमने आपके लिए बनाया है वीडियो लेक्चर कोर्स, ठीक है, प्लस केस स्टडी का आपको वीडियो कोर्स रहेगा। केस स्टडी आपका अकाउंटिंग, एबीएम और बीएफए में आपको दिखेगा, ठीक है, ये यहां पर आपको दिखेगा केस स्टडी। और इन दोनों में 40 से 50 मार्क्स इसी का है, और यही रीजन है कि लोग ज्यादातर फेल कर जाते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग के केस में 25-30 मार्क्स आता है, ये बहुत बड़ा रीजन है लोगों का फेल करने में, क्योंकि क्या होता है कि केस स्टडी को ध्यान ही नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं और केस स्टडी आपको लेकर डूब जाता है, ठीक है, केस स्टडी आपको लेकर डूब जाएगा सीधा सीधा। अब जब 40 से 50 मार्क्स से बहुत मतलब होता है, और केस स्टडी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, केस स्टडी किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैकलेन की बुक में भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आपको कोई बुक बाहर से खरीदेगा। हमने आपके लिए केस स्टडी स्पेशल डिजाइन किया है, ठीक है। अकाउंटिंग में 25 केस स्टडी है, एबीएम में 25 केस स्टडी है, बीएफएम में 27 केस स्टडी है, और नॉर्मली केस स्टडी कहीं आपको मिल भी जाए 1-2-3 हार्डली, हमने आपके कितना केस स्टडी बनाए, ठीक है, प्लस आपको उसके बाद 1000 क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, प्लस क्विक रिवीजन नोट रहेगा आपको, ठीक है, इतना सारा चीज है, यानी वीडियो लेक्चर कोर्स प्लस केस स्टडी का वीडियो कोर्स रहेगा, 1000 क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक रिवीजन नोट्स रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बस वीडियो प्ले कर देना है, कुछ मेहनत नहीं करना है, वीडियो प्ले किया वो अपना चालू हो जाएगा बोलना, आपको एवरीडे 45 मिनट टाइम निकालना है बस। अगर 45 मिनट टाइम निकाल रहे हैं आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, ठीक है, 45 मिनट टाइम निकालिए एकदम मस्त से खेलते क्लियर हो जाएगा एवरीडे बेसिस, ठीक है। अगर आप मान लीजिए बाय एनी पेपर ऑफ, कोई भी पेपर आप ले लीजिए, जेआईबी का पेपर आप खरीदे चाहे सीएआईआईबी का पेपर खरीदे, इसका प्राइस है 2000 रुपए। 2000 रुपए में अभी आपको हमने बताया वीडियो लेक्चर कोर्स, केस स्टडी का वीडियो, फिर आपको क्यूक्यू रिवीजन नोट और 1000 क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है जेएआईआईबी का तीनों पेपर अगर आप खरीदते हैं तो इसका प्राइस है ₹4500। फिर अगर मान लीजिए सीएआईआईबी का बोथ कंपलसरी पेपर ले रहे हैं तो इसका प्राइस है ₹3500। मान लीजिए सीएआईआईबी में बोथ कंपलसरी पेपर प्लस रिटेन अगर आप करते हैं तो इसका प्राइस है ₹4500। अगर आप कोई भी 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं किसी पेपर का ऑफ एनी पेपर, इसका प्राइस है ₹199, ठीक है, ओके। यानी कोई पेपर आप खरीद रहे हैं जेआईबी सीआईबी का 2000 रुपए लगेगा, तो जेआईबी में तीनों पेपर लेते हैं 4500 रुपए का है, सीआईबी के दोनों कंपलसरी पेपर ले रहे हैं एबीएम और बीएफएम 3500 रुपए का है, सीआईबी में दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल पेपर लेते हैं 4500 रुपए का है, और 10 मॉक टेस्ट अगर करते हैं तो आपको ₹199 का पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल अस, हमारा नंबर है 4×9685127, दूसरा नंबर है 7827546946।
आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jaiibcaiib.studymaterial.com। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है sidsinha123@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।